Now, in the second video of chapter number 7, class 5, percentage, we will study about find the percentage of given number. एक number given है और उसकी percentage given है. तो उसमें आपके कितना amount आएगा, कितना number आएगा, वो मुझे निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? Example के through समझेंगे. जैसे आपका पहला example है, 6% निकालना है आपने 400 का. तो आप 400 का 6% निकालने के लिए इस परसेंटेज के साइन को हटाएंगे. कभी भी जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, डिवीजन में 100 डाल देते हैं. मींस हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा और फिर उसको जो नंबर दे रखा था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 400 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये 0 से 0 तो कैंसिल, नीचे तो 1 रह गया, ऊपर रह गया 6 और यहाँ पे रह गया 4. 6 × 4 = 24. तो आपका 6%, 400 का 6% कितना आ गया, 24. सिमिलरली अगर सेकेंड पार्ट की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, वो है आपका 85% निकालना है आपने 1200 का. तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करा, 85 को 100 से डिवाइड किया और ऑफ मींस मल्टीप्लाई, 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 0 से 2 0 कैंसिल. फिर जब आप 85 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1020. नाउ थर्ड इज 25% ऑफ 60. 25/100 मल्टीप्लाई बाय 60. 0 से 0 कैंसिल. अब जब आप 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 150 आएगा और ये 10 आपका एज इट इज़ रह गया. ये 150 के 0 से और 10 के 0 से एक 0 कैंसिल, तो सिर्फ क्या रह गया, 15. नीचे तो 1 है, डिनोमिनेटर में 1 का कोई मीन नहीं होता, तो आपका आंसर क्या आ गया, 15. नाउ एक्सरसाइज 7.3. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 35% ऑफ 350. 350 का हमें 35% निकालना है. तो वही 35 को परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया, 35/100 मल्टीप्लाई बाय 350. पॉइंट 0 से 0 कैंसिल. 35 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 1225 और डिवाइडेड बाय 10. अब ये 10 है, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये पॉइंट हट गया, ये 0 हट गया, एक डिजिट से पहले क्या आ गया, पॉइंट, दैट इज 122.5. नाउ सिमिलरली अगर मुझे 25% निकालना ऑफ 200 का, तो 25/100 × 200, 20 से आपकी 20s कैंसिल, 25 × 2, दैट इज 50. तो आपका आंसर आ गया 50. नाउ लुक एट एक्सरसाइज 7.4. फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. इन द गार्डन विथ 20 trees, एक गार्डन है जिसमें 20 trees है. 20 में से 20% आपके टैमरिंड के हैं, टैमरिंड मीन्स आपकी इमली, 10% आपके गुआवा के हैं, गुआवा मीन्स अमरूद, एंड 40% आपके नीम के हैं और बाकी के जो बच गए वो आपके मैंगो के हैं. तो आपने ये बताना है कि हर एक टाइप के कितने कितने ट्रीज हैं. तो टोटल ट्रीज थे आपके 20. तो टैमरिंड के कितने, 20%, मीन्स आपके 20% निकालना है आपने 20 का, 20% ऑफ 20. इसको चेंज किया फ्रैक्शन में, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 20. एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल और दूसरा जीरो इसके जीरो से कैंसिल. तो 2 इधर 2 रह गया, इधर भी 2 रह गया, तो 2 × 4. तो कितने ट्रीज आ गए आपके, 4 trees. नाउ नेक्स्ट इज ट्रीज ऑफ गुआवा. 10% निकालना है आपने 20 का. तो 10% मीन्स 10/100 × 20. 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 2 × 1, दैट इज 2. तो गुआवा के कितने ट्रीज है आपके, 2 trees. नाउ नीम के थे आपके 40%. तो 40% जब आप 20 का निकालेंगे तो 40/100 मल्टीप्लाई बाय 20. एक जीरो यहाँ से यहाँ कैंसिल और यहाँ से यहाँ कैंसिल, 4 × 8. तो नीम के कितने ट्रीज हैं आपके, 8 trees. सिमिलरली अब आपके गुआवा के आ गए, नीम के आ गए और टैमरिंड के आ गए. तो टोटल कितने हो गए, नीम, गुआवा और टैमरिंड के मिला के, टैमरिंड के 2 थे, गुआवा के 2, टैमरिंड के 4 थे, गुआवा के 2 और नीम के 8. तो 4 + 2 = 6, 6 + 8 = 14. कितने ट्रीज हो गए, 14 trees. और टोटल ट्रीज कितने थे आपके, 20. तो बाकी बचे हुए आपके कौन से हैं, मैंगो ट्रीज. तो मैंगो में से जब आप टोटल में से इन तीनों वाले ट्रीज आप माइनस कर देंगे 14, तो आपका आंसर आएगा 6. तो मैंगो के कितने ट्रीज हैं आपके पास, 6 trees. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. थर्ड आप लोग खुद ट्राई करेंगे. इफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2/3 ऑफ वाटर बाय मास, मतलब जितना ह्यूमन बॉडी का वेट है उसका अगर मैं 2/3 कर दूं तो उतना हमारे अंदर पानी है. फॉर एग्जांपल अगर मेरा 100 kg वेट है तो 100 का अगर मैं 2/3 कर दूं, मींस 100 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो आंसर आएगा वो उतना मेरे अंदर क्या है, वाटर.
तो हमें एक परसेंटेज निकालनी है वाटर की। अगर एक पर्सन के अंदर 45 केजी मास है, मतलब 45 केजी उसका वेट है, तो आप क्या करेंगे, आपको वाटर का वेट निकालना है पहले। तो आपका पर्सन का वेट कितना दे रखा है, वेट ऑफ पर्सन आपको दे रखा है 45 केजी। तो आपने वाटर का निकालने के लिए उसका 2/3 करना है। तो जब आप 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा आंसर 90, फिट 3 एज इट इज़। 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30। तो कितना वाटर हो गया, 45 केजी का जो पर्सन है उसके अंदर 30 केजी क्या है, वाटर। अब परसेंटेज निकालने के लिए, वाटर की परसेंटेज निकालनी है, तो वाटर का वेट को अगर मैं टोटल वेट से डिवाइड करूँ तो आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी, और फिर उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज। तो वाटर का वेट अपॉन में वेट ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय 100। कभी भी आपको परसेंटेज निकालनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 में से 80 मार्क्स आए हैं और आपने अपनी परसेंटेज निकालनी है कि आपकी कितने परसेंट है, तो आप लिखेंगे ऊपर तो आप 80 लिखेंगे, नीचे आप टोटल लिखेंगे कि कितने में से आए, और परसेंटेज निकालने के लिए उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सेम इधर आपका वेट ऑफ वाटर था 30 केजी, जिसकी परसेंटेज निकालनी है, नीचे टोटल वेट लिखेंगे दैट इज 45 केजी वेट ऑफ बॉडी, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो आपका 30/45 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपने 30 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 3000। फिर आपने 45 एज इट इज़ 3000 को जब आप 45 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड में चेंज हो जाएगी, दैट इज 66.1/2%। तो कितना परसेंट वाटर होता है एक ह्यूमन बॉडी में, 66.1/2%। नाउ दिस इज द कम्प्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 2। यू विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कम्प्लीट योर चैप्टर नंबर 7 इन योर नोटबुक्स।